गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पे। मित्रों, आज हम आपके सामने कुछ स्लाइड्स लेकर आए हैं और ये ऐसी स्लाइड्स हैं जो आपके डेली यूज़ होने वाले वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल आपने सही सुना, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दैट सेंटेंस वट एवर वी आर यूजिंग इन आर डेली लाइफ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल दैट यू मस्ट बी सिट विथ मी एंड हैविंग यू यू मस्ट हैव अ फिर से गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई वेलकम्स यू ऑल इन योर ओन चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इजी सेंटेंस इन बोथ लैंग्वेज, इन हिंदी एंड इंग्लिश, द सेंटेंस वट एवर वी आर यूजिंग इन आर डेली लाइफ। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने रोजाना के प्रयोग में होने वाले, जो हम लोग रोजाना के जीवन में प्रयोग करते हैं, उन सारे आज हम वर्ड्स का प्रयोग करें, उन सारे सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। और बहुत ही बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट किया है, जो हमारी सीरीज चल रही है, आज हमारा 5वीं क्लास है स्पोकन इंग्लिश की। इसके पहले हम लोगों ने यूज टू सीख चुके हैं, हम लोग फॉन्ड ऑफ सीख चुके हैं, हम लोग कुछ गुड मॉर्निंग के तरीके सीख चुके हैं, हम लोग हाउ आर यू उसके रिप्लाई सीख चुके हैं। तो आज हम लोगों को कुछ ऐसे सेंटेंस सीखना है जिन सेंटेंस का प्रयोग हम लोग ऐसा अपने रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। आइए देखते हैं पहली स्लाइड। वह मेरा दूर का रिश्तेदार है। जनरली हम लोग क्या कहते हैं, जैसे जब हमारे घर पे कोई हमसे अगर अपने फ्रेंड से बात हो रही है और मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जो व्यक्ति उस समय नहीं है वहां पे और आप उसको जानते हैं, तो जनरली हम लोग क्या कहते हैं, कहते ना कि हम वो मेरा दूर का रिश्तेदार है। मीन्स व्हाट, ही इज माई डिस्टेंस रिलेटिव, ही इज माई डिस्टेंट। डिस्टेंट क्या होता है, याद रखिएगा, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं बोलना है, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, और यहाँ पे क्या लिखना है, डिस्टेंट, ही इज माई डिस्टेंट रिलेटिव। बात समझिए, रिलेटिव मतलब होता है रिश्तेदार और डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दूर का है। दूसरा देखते हैं, मुझे नींद आ रही है। बिल्कुल हमेशा होता रहता है, अक्सर क्या देखते हैं हम लोग कि हम लोग जब पढ़ते रहते हैं या फिर खाना खा के पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों को नींद आती है। हालांकि इसके लिए जब हम लोगों को झपकी या कभी कभी आती है, और झपकी आना और नींद आना में दोनों में फ़र्क है। झपकी आना इन द सेंस यू आर फॉलिंग वाइल यू आर स्लीपिंग, आप मतलब सोते सोते गिर रहे हैं, और सोने का मतलब क्या हुआ कि आपको हल्का हल्का नींद की फीलिंग हो रही है। तो जब आपको एक ऐसा लगे अंदर से कि आपको नींद आ रही है, तो आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग स्लीपी। मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मुझे अभी सो जाना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे, आई एम फीलिंग स्लीपी। मेरे साथ सब लोग बोलिए, एक बार जल्दी बोलिए, बोलिए आई एम फीलिंग स्लीपी। बात समझ में आई। आइए अगली स्लाइड देखते हैं। तुम कौन सी फिल्म देखना पसंद करोगी। यस, बिल्कुल अक्सर हम लोग क्या पूछते हैं, अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि तुम कौन सा फिल्म देखना पसंद करोगे। और आजकल क्या हो रहा है, आजकल हम अपने घरों में हैं और आजकल मूवीज पे थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, हम पूछ सकते हैं, अपने दोस्त से पूछ सकते हैं, अपने भाई से पूछ सकते हैं, अपनी कजिन अपने सिस्टर से पूछ सकते हैं कि तुम कौन सा मूवी देखना पसंद करोगे, भाई कौन सा मूवी। तो यू कैन से विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच। याद रखिए, हमने देखिए यहाँ पे वॉच वर्ड का यूज किया है, ना कि हमने सी बोला। सी मतलब होता है किस आंखों से देखना, किसी व्यक्ति को देखना, किसी जीवित प्राणी को देखना। और वॉच मतलब क्या होता है, जब किसी भी हम लोग नॉन लिविंग बींग को देखते हैं तो वहां पे वॉच करते हैं। टीवी के लिए क्या लगाएंगे, जैसे मान लीजिए आप टीवी देख रहे हो तब क्या कहेंगे, आई एम वॉचिंग टीवी। ओके, आई एम वॉचिंग वीडियो, आई एम वॉचिंग मूवी। कभी भी आप ये मत कहेगा आई एम सीइंग मूवी, आई एम सीइंग टेलीविजन, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब भी आप टेलीविजन देखेंगे, जब भी आप मोबाइल देखेंगे, जब भी आप कोई मूवी वॉच करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, वॉचिंग मूवी, आई एम वॉचिंग मूवी। तो यहाँ पे क्या हो लगा, विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच। हमने क्या लिखा है, विच मूवी, देखिए यहाँ पे चूंकि क्या डब्ल्यू एच वर्ड है, तो डब्ल्यू एच से स्टार्ट किया मैंने, विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच। बात बिल्कुल समझ में आ गई, इसको लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा और मेरे साथ बोलते भी रहिए। इसलिए मैं कई बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोग मेरे साथ इसे बोलते रहिए। और अगर कोई दिक्कत आ रही है इसे, अगर कोई समझने में दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल आप इसको एक बार और देखेंगे, एक बार और समझने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अगली स्लाइड हमारे सामने है, तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल ऑफ कोर्स हम लोग क्या पूछते हैं, भाई आपको कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है। जैसे हम लोग कभी मूवी की बात करते हैं तो उसमें भी पूछते हैं क्या, भाई इस मूवी का तुम्हें सबसे अच्छा कौन सा गाना लगता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, विच सॉन्ग डू यू लाइक मोस्ट। यस, विच सॉन्ग डू यू लाइक मोस्ट। याद रखिएगा, विच का हमने प्रयोग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, कौन सा के लिए कौन सा डब्ल्यू एच वर्ड यूज़ होता है, विच डब्ल्यू वर्ड यूज़ होता है। ओके, डू यू लाइक मोस्ट, तुम पसंद करते हो। ऐसे मान लीजिए तुमसे अगर आपसे मैं पूछूं कि आप कौन सा कलर पसंद करते हो, तो आप क्या पूछ सकते हैं, विच कलर यू डू यू लाइक मोस्ट, है ना। अगर मैं आपसे पूछा हूँ कि आप इलाहाबाद में, आप प्रयागराज में कौन से स्थान को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, विच प्लेस डू यू लाइक मोस्ट। मीन्स क्या हो रहा है, जब भी आपको किसी से ये पूछना है कि आप सबसे ज़्यादा मतलब कौन सी वस्तु, कौन सा स्थान को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप
किसका प्रयोग करेंगे, आप विच का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई? आइए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड हमारे सामने है, मेरी माता जी को खाना बनाना है। बात ध्यान समझिएगा, मेरी माता जी को खाना बनाना। बिल्कुल अभी घर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी मम्मी खाना बनाती हैं। ओके, तो माई मदर हैज़ टू कुक द फूड। यहाँ देखिए हम लोग हैज़ का प्रयोग हमने यहाँ पे किया है। हालांकि आपको कल या परसों की क्लास जो होगी आपकी, वो हैज़ के फॉर्म पे ही होगी, जहाँ पे हम लोग हैज़, हैव और हैड तीनों का फॉर्म अलग अलग देखेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्पोकन इंग्लिश में, हमारे बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन हैज़ का, जहाँ पे हम लोग हैव के तीनों फॉर्म को देखेंगे और कैसे उसका यूज करते हैं, हम लोग यूज़ करके सीखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि मेरी माता जी को खाना बनाना आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, माई मदर हैज़ टू कुक द फूड। मेरी माता जी को खाना बनाना, याद रखिए बनाना है, मुझे ये काम करना है, तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो, हमें खाना है ना, आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। जहाँ पे काम करना होगा वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पे हम लोग हैज़ का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा हैज़ का, हैव का प्रयोग कहाँ पे होता है, जब हमें कोई काम करना होता है। ओके, अगला देखते हैं सेंटेंस, सेम सेंटेंस है, आगे चलते हैं। मैं कल आपको फ़ोन करूँगा। जैसे हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, भाई ठीक है कोई बात नहीं, जैसा होगा फिर मैं आपको कल मैं फ़ोन करूँगा। ओके, इन दैट सेंटेंस, इन दैट टाइम यू कैन से आई विल कॉल यू टुमारो। ओके, आई विल कॉल यू टुमारो। हालांकि मैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का एक अलग से आपको मैं पूरा वीडियो दूंगा, एक अलग से वीडियो दूंगा, एक बहुत जल्दी दूंगा आपको मैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का अलग से वीडियो देने वाला हूँ। कौन कौन से वर्ड हम लोग बस स्टॉप पे सेंटेंस यूज़ करते हैं उसका देने वाला हूँ आपको मैं अलग से, हर एक स्टेप पे कहाँ पे बातें करते हैं। चूंकि आज जो हम लोग बात कर रहे हैं कुछ बेसिक सा बात कर रहे हैं, बेसिक सा बोले तो जनरली जो हम लोग अपने घर पे यूज़ करते हैं, अपने फैमिली से बातचीत करने के दौरान करते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने सिबलिंग से, अपने रिलेटिव से बात करने के दौरान करते हैं, उन सारे स्लाइड्स को मैं लेकर आपके बीच आया हूँ। तो आप क्या कह सकते हैं, आई विल कॉल यू टुमारो। आप ये भी कह सकते हैं, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, तो आप क्या कह सकते हैं, आई विल कॉल यू बैक, आई विल कॉल यू बैक। बात समझ में आई? ये बात बिल्कुल समझ में। तो क्या बोलेंगे, अगर आपको बोलना है मैं कल आपको फ़ोन करूंगा या मैं आपको परसों फ़ोन करूंगा, तो आई विल कॉल यू द डे आफ्टर टुमारो। याद रखिएगा परसों को क्या बोलते हैं हम लोग, द डे आफ्टर टुमारो। अगला स्लाइड देखते हैं, इस बात को अपने तक ही रखना। बिल्कुल बिल्कुल बाप, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है भाई। इसको हम लोग क्या करते हैं, अक्सर कहते हैं जब भी हम लोग किसी से कोई अपनी प्राइवेट बात करते हैं, अपनी पर्सनल बात करते हैं, तो हम लोग उस सामने वाले से ये कहते हैं कि भाई इस बात को आप अपने तक ही रखना, किसी और से शेयर मत करना, इस बात को लीक मत करना, क्योंकि इससे हमारी प्राइवेसी, इस पर हमारी प्राइवेसी भंग हो जाएगी। तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे, कीप इट अप टू योर सेल्फ, कीप इट अप टू योर सेल्फ। कीप इट अप मतलब होता है सीमित रखना, योर सेल्फ मतलब अपने तक। याद रखिए योर मतलब होता है तुम्हारा, पता होना चाहिए आपको। योर सेल्फ मतलब वो क्या है कि जिस व्यक्ति को आप कह रहे हैं उसके लिए आया है, और उसके ये सेल्फ का देख रहे हैं ना, सेल्फ का भी प्रयोग यहाँ पे हुआ है। और योर सेल्फ क्या है ग्रामर के दृष्टिकोण से बताइए, डू यू नो वॉट इज योर सेल्फ, इट इज एक्चुअली अ प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, अब हमको बाद में आप बताएंगे, ठीक है। आइए अगली स्लाइड देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड को, मुझे कपड़े धोने हैं। यस, अभी क्या हो रहा है, हम लोगों को अपने कपड़े धोने होते हैं, तो आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स, आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स, आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। अब देखिए मैंने फिर से देखिए यहाँ पे हैज़ का प्रयोग हमने किया, यहाँ पे फिर से देखिए हमने हैव का प्रयोग किया। हैव का प्रयोग वहाँ पे होता है, हैव का प्रयोग वहाँ पे होता है जहाँ पे मुझे कोई काम करना होता है। जैसे मैं बोलूँ आपसे मुझे जाना है आज, ठीक है, तो टुडे आई हैव टू गो। ओके, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, मतलब जो भी हमारी ड्यूटीज़ है वहाँ पे भी हम लोग हैव का यूज़ करते हैं, जो काम हमें करना है उसको डिनोट करने के लिए हम लोग हैव का यूज़ करते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपको मैं अलग से हैव की एक क्लास लूँगा, जिसमें आपको हैज़, हैव और हैड का यूज़ अलग से मैं पढ़ाऊँगा। तो आपको जब कोई काम, जैसे मुझे कपड़े धोने हैं, आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। ओके, आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, जब आप कहेंगे मुझे अपने कपड़े धोने, तो आप कह सकते हैं आई हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स, आई हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, आपने ये पुस्तक कहाँ से ली। बिल्कुल, अक्सर हम लोग क्या पूछते हैं, अपने फ्रेंड से पूछते हैं, जब कोई भी किताब हमें अपने फ्रेंड्स के यहाँ पसंद आती है तो हम लोग क्या पूछते हैं, हेलो डियर कहाँ से तुमने किताब लिया भाई, तो क्या रिप्लाई देता है हमारा फ्रेंड, आवर फ्रेंड रिप्लाइज दैट व्हाट, वेयर डिड यू टेक दिस बुक फ्रॉम। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, नोट इट डाउन तुरंत, इमीडिएटली यू मस्ट हैव टू नोट दिस सेंटेंस, वेयर डिड यू टेक दिस बुक फ्रॉम, वेयर डिड यू टेक दिस बुक फ्रॉम। कैसे बोलेंगे, वेयर डिड यू टेक दिस बुक फ्रॉम, वेयर डिड यू टेक दिस बुक फ्रॉम। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, क्या झगड़ा है, क्या झगड़ा नहीं कह सकते, अरे क्या झगड़ा है, बिना बात नहीं है, क्या झगड़ा किस में कौन सी बात है, तो आप कह सकते हैं व्हाट्स द कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट्स द कॉन्फ्लिक्ट, या देखिए आप, हमने एक स्लैश वो लगाया है कि
जहाँ पे ऑप्शन डिनोट होता है वो, या तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, व्हाट्स द डिस्प्यूट। याद रखिएगा कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट में हालांकि थोड़ा सा अंतर होता है जो मैं आपको बताऊंगा वर्ड पावर में। कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट में क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन आप यहाँ पे झगड़ा के सेंस में ही दोनों यूज़ होता है। याद रखिएगा दोनों का जो यूज़ होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट किसके सेंस में होता है, दोनों क्या होता है, झगड़ा के ही सेंस में यूज़ होता है। ओके, अगला वर्ड, अगला सेंटेंस देखते हैं। वो अभी अभी गया है, बिल्कुल जैसे क्या, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ मैं जा रहा हूँ और जैसे मैं आपके यहाँ पहुँचा आपने क्या कहा कि अरे यार अभी अभी राम गया है, अभी तो राम यहीं पे था, राम अभी अभी गया है। तो जहाँ पे हमें ये कहना होता है कि वो अभी अभी गया है, क्या कह सकते हैं, ही हैज जस्ट गॉन या ही हैज जस्ट लेफ्ट। जनरली जो मैं यूज़ करता हूँ वो यूज़ करा करता हूँ ही हैज जस्ट लेफ्ट, ही हैज जस्ट लेफ्ट। ओके, गॉन क्या हो रहा है, देख रहे हैं ना, गो का थर्ड फॉर्म है, गो वेंट गॉन होता है। बाकी उसके जगह पे उससे अच्छा होता है अगर आप लेफ्ट का प्रयोग करें। आइए अगली स्लाइड देखते हैं। रवि के पास 10 पेन है, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे रवि के पास 10 पेन, मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले बताया था कि जहाँ पे भी आप क्या करते हैं, राइट्स का प्रयोग करते हैं, राइट मतलब उसके क्या करते हैं, ओनरशिप की बात करते हैं, वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, रवि हैज़ 10 पेंस। ओके, वो रवि हैज 10 पेंस, आई हैव 4 बुक्स। आप बताइए आपके पास क्या क्या है, यू हैव अ स्मार्टफोन, आई हैव अ लैपटॉप, यू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ ईयरफोन ना, आई हैव अ हेडफोन, जो भी आपके पास है सारे सेंटेंस का प्रयोग आप कर सकते हैं हैव का यूज़ करके। ओके, लेकिन याद रखिए आई के साथ हैव का, हैज का, सॉरी हैज का नहीं बल्कि हैव का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि आई क्या होता है, प्लरल होता है, और यहाँ पे रवि क्या है, रवि सिंगुलर, इसलिए रवि के साथ हैज का यूज हुआ है। बाकी जो सब्जेक्ट प्लरल होते हैं उनके साथ हैव का प्रयोग होता है, और जो सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं उनके साथ हैज का प्रयोग होता है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलें, आइए आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। और अब हम लोग धीरे धीरे क्या सीख रहे हैं, वो सारे सेंटेंस सीख रहे हैं जिन सेंटेंस का प्रयोग हम लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो। अक्सर हम लोग क्या पूछते हैं, मतलब क्या फालतू बात करते रहते हो यार, तुम्हें कैसी बकवास क्यों करते रहते हो, क्या तुम्हें इससे फ़ायदा मिलता है, हाँ कि अब क्या मतलब है तुम्हारा ऐसी बकवास करने का। तो जब आप ये कहते हैं कि तुम ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो, तो आप उसे बोल सकते हैं क्या, वाई डू यू टॉक सच ए नॉन सेंस, वाई डू टॉक सच अ नॉन सेंस, वाई डू यू टॉक सच अ नॉन सेंस। आप नॉन सेंस की क्या बातें करो, नॉन सेंस समझते होंगे जिसके पास सेंस ही नहीं होता है, जैसे कोई सेंस नहीं होता, नॉन सेंस होता है। आप ये भी कह सकते हैं वाई डू टॉक सच रबिस, रबिस मतलब भी क्या होता है, कूड़ा करकट होता है, अनवांटेड होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, बकैदी करते हैं, फालतू बात करते हैं, जानते हैं ना हम लोग इलाहाबाद बकैदी खूब होती है, यहाँ तो बड़ा फेमस वर्ड है और एकदम तगड़े से मार्केट में चलता है, आजकल ट्रेंड भी इसका बहुत ज़्यादा बकैती का। तो जब आप कह रहे हैं ना कि तुम मतलब ऐसी बकैती क्यों करते हो, तुम ये फालतू बकवास क्यों कर रहे हो, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं वाई डू यू टॉक सच ए नॉन सेंस। बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी, आपके पूरी समझ में आ रही होगी एकदम, बस इसको नोट करते चलिए और इसका आपको प्रयोग कर रहा है, ठीक है। आगे एक अगली स्लाइड देखते हैं, शांत रहिए। बिल्कुल, क्या करते हैं हम लोग जब बोर हो जाते हैं, वेन एवर वी आर टायर्ड फ्रॉम द पीपुल्स दोज हु आर सिटिंग अराउंड अस एंड दे आर टॉकिंग अलॉट एट दैट इंस्टेंट, वट एवर वी हैव टू से वी आर जनरली यूजिंग आर बी क्विट या बी क्वाइट। क्या रहो, शांत रहो, एकदम शांत रहो, सब लोग शांत रहो। ओके, डोंट टॉक एट ऑल, हम लोग इसके अलावा एक वर्ड और यूज़ करते, लिख लीजिए इसको भी, डोंट टॉक एट ऑल, किसी भी कीमत पे आपको नहीं बोलना है, डोंट टॉक एट ऑल। हम लोग एक वर्ड और भी बोलते हैं, कीप साइलेंस, एक वर्ड बड़ा फेमस वर्ड है जो हम लोग क्या बोलते हैं, कीप साइलेंस। तो हम लोग शांत रहने के लिए 3 वर्ड का यूज़ करेंगे, पहला करेंगे बी क्वाइट, तीसरा करेंगे कीप साइलेंस, और चौथा क्या करते हैं, डोंट टॉक एट ऑल। बातें समझ में आ गई, समझ में आ रही है ना सबको। आइए अगली स्लाइड देखते हैं, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। बिल्कुल, अक्सर क्या होता है जब भी हम लोग जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में, जब भी हम लोग अपने किसी सीनियर से मिलते हैं, तो हम लोगों से ये क्वेश्चन अक्सर लोग पूछ ही देते हैं कि तुम क्या करते हो, उससे मतलब नहीं है, साथ में इनको वो चाहिए कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। आजकल के जो स्कूल्स हैं ना प्राइवेट, यहाँ पे जब प्राइवेट जब जब कोई भी गार्जियन अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाता है, तो वहाँ पे बच्चों का नहीं उनके पिताजी का इंटरव्यू होता है, और उनके पिताजी से पूछा जाता है, भैया आप क्या करते हो, आप कितना कमाई करते हो, आप अफोर्ड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे हमारा यहाँ की फ़ीस। तो उस कंडीशन में क्या पूछते हैं वो लोग, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, व्हाट इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर फादर, मतलब तुम्हारे पिताजी क्या है। अगली स्लाइड देखते हैं, राम आजकल क्या कर रहा है,
हम लोग क्या कहते हैं, राम आजकल क्या कर रहा है, व्हाट इज राम डूइंग दिस डेज। आप यहाँ पे एक अच्छा वर्ड होता है, आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे दीज लिखा आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं नाउ डेज, आप यहीं पे नीचे लिख लीजिएगा। अगर आपके हाथ में कलम चल रही है तो बिल्कुल तुरंत ये भी क्या लिखिए, व्हाट इज राम डूइंग नाउ डेज, व्हाट इज राम डूइंग नाउ डेज। नाउ डेज बड़ा पैटर्न में है और थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है। आप दीज डेज के उससे अच्छा क्या लगे, नाउ डेज मतलब होता है आजकल। ओके, तो आप अगर आपको कहना है कि राम आजकल क्या कर रहा है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि मोहन आजकल क्या कर रहा है, अब आप या तो आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि भाई तुम आजकल क्या कर रहे हो, तो आप उससे पूछ सकते हैं व्हाट आर डूइंग नाउ डेज, व्हाट आर डूइंग, आजकल आप क्या कर रहे हो भाई, आजकल आप क्या कर रहे हो। बात समझ में आई, आइए अगली स्लाइड देखते हैं। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, इसको भी आप जरूर लिखिएगा और इसको तुरंत मेरे साथ प्रोनाउंस भी करिएगा। अ वर्ड टू विश इज इनफ, अ वर्ड इज अ वर्ड टू विश इज इनफ। क्या होता है, एक वर्ड जो होता है वो क्या होता है, इनफ होता है। किसके लिए इनफ होता है, किसके लिए इनफ होता है, जो लोग विश होते हैं, जो लोग वाइज होते हैं, जो लोग समझदार होते हैं, जो लोग समझदार होता है। अ वर्ड टू वाइज इज इनफ, अ वर्ड टू वाइज इज इनफ। मेरे साथ बोलिए, अ वर्ड टू वाइज, वाइज बोलते, वाइज मतलब क्या होता है, समझदार होता है, बुद्धिमान होता है। इनफ मतलब होता है पर्याप्त होता है, और वर्ड मतलब सिंगल वर्ड। यहाँ पे सी वर्ड का मतलब क्या है, इशारा से मतलब है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड का मतलब किससे, इशारा से मतलब है। और अक्सर हम लोग इस सेंटेंस का अपने डेली लाइफ में यूज़ भी तगड़े से करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग दिस सेंटेंस अलॉट इन आवर डेली लाइफ। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, वी आर सींग हियर दिस दैट वॉट, तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है। यस यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज जनरली बींग आस्क्ड इन आर डेली लाइफ विथ आवर फ्रेंड्स, विथ आवर टीचर, विथ आवर इंटरव्यूअर्स, हाँ, वेयर वर वी आर गोइंग, इट इज़ वेरी श्योर दैट दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है, भाई कुछ तो प्लान किया होगा कि भविष्य में आपको क्या करना है। तो अगर आपको ये किसी से पूछना है, अगर आपको किसी से ये कहना है कि भाई आप अपने भविष्य के लिए क्या कहते, तो आप क्या बोलेंगे, वॉट हैव यू प्लान फॉर योर करियर। यस, वॉट हैव यू प्लान फॉर योर करियर, वॉट हैव यू प्लान फॉर योर करियर। आप अपने करियर के लिए, आप अपने कैरियर के लिए क्या प्लान किए हैं भाई, वॉट हैव यू प्लान, कुछ तो प्लान किया होगा। वॉट एवर यू हैव प्लान लेट मी नो, सो यू कैन आस्क वॉट हैव यू प्लान फॉर योर कैरियर। ओके, आई थिंक हमें लग रहा है आपको बात समझ में आ रही होगी, इसका प्रयोग बिल्कुल करिए मेरे साथ। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं और अगली स्लाइड देखते हैं। व्हाट्स सो स्पेशल इन इट, वाओ, इसमें खास बात क्या है। ओके, जनरली हम लोग क्या पूछते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि बकैती हो रही है, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें अक्सर पूछ लेते हैं कि इसमें खास बात क्या है ना भाई। होता है कि एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग क्या सोचते हैं, सीधे टू द पॉइंट बात करने की सोचते हैं, मतलब फालतू बात करने की नहीं सोचते। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग जो बात करेंगे वो क्या करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। तो जब हम लोग टू द पॉइंट बात करने की बोलते हैं, तो उसमें हम लोग अक्सर ये पूछते हैं, भाई तुम सीधे सीधे जो कहना है सीधे सीधे कहो। ओके, सो हम लोग पूछ सकते हैं कि इसमें खास बात क्या है, तो उसमें कह सकते हैं व्हाट सो स्पेशल इन इट, या आप इसके अलावा ये भी कह सकते हैं व्हाट सो रिमार्केबल इन इट। रिमार्केबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिमार्केबल क्या होता है, आजकल ट्रेंड में है, आजकल यूज़ भी होता है। तो आप भी क्या बोलेंगे आज से, चलिए मेरे साथ बोलिए, व्हाट्स सो रिमार्केबल इन इट। आपको पढ़ना है और मेरे साथ प्रोनाउंसिएशन करना है, आपको पढ़ना है और मेरे साथ प्रोनाउंस करना है। बात समझ में आ रही है ना, आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। आपकी कृपा होगी, आपकी कृपा होगी, अक्सर क्या बोलते हैं, अगर आपकी कृपा होगी तो मैं इस बार सफल हो जाऊंगा। ओके, इफ़ यूर काइंड देन आई विल बी डेफिनेटली गेट सक्सेस, तो मैं सक्सेस पा जाऊंगा। तो इट्स काइंड ऑफ यू, आप कह सकते हैं कि आपकी कृपा है भाई, आपकी कृपा से है। नहीं कहते अक्सर कि, या तो आप कहिए कि आपकी कृपा होगी, आप या तो ये कह रहे हैं कि ये आपकी कृपा है। दोनों सेंटेंस में, दोनों केस में आप क्या यूज़ करेंगे दिस, आप दोनों केस में क्या यूज़ करेंगे, दोनों केस में यूज़ करेंगे इट्स काइंड ऑफ यू, इट्स काइंड ऑफ यू, इट्स काइंड ऑफ यू। ओके, सो कम ऑन नेक्स्ट वन, तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो, तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो। अगर आपको ये कहना है किसी से कि तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो, तो आप क्या कहेंगे, वाई डू यू टॉक सच ए नॉन सेंस, वाई डू यू टॉक सच ए नॉन सेंस। कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होते, बिल्कुल, फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आर कंट्रोल, फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आर कंट्रोल, फ्यू इंसिडेंट आर नॉट इन आर कंट्रोल। कुछ घटनाएं हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती,
कुछ इंसिडेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे जिस व्यक्ति की जब मौत होगी तो उस वक्त उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी, वो चीज़ें क्या होती हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो आप क्या कह सकते हैं कि डेथ आर नॉट इन आर कंट्रोल, डेथ आर नॉट इन आर कंट्रोल, डेथ क्या है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। आप सीधे कह सकते हैं कि फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आर कंट्रोल। बात समझ में आई, आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आप सब लोगों को बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये हमारी पहली स्लाइड है, ये स्पोकन इंग्लिश की पहली स्लाइड वीडियो है, ठीक है। तो आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, या आपको ये लग रहा हो कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ या मैं धीरे बोल रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो जो स्लाइड का वीडियो होगा, अभी कुछ और आपके लिए मैं स्लाइड्स बना रहा हूँ उस पर मैं काम कर रहा हूँ। जैसे अगर आप बात करते कि हम लोग बस स्टॉप पर क्या कन्वर्सेशन करते हैं, हम लोग रेलवे स्टेशन पे कॉन्वर्सेशन क्या करते हैं, और जैसे अब हम लोग अगर स्कूल में है तो अपने फ्रेंड से कॉन्वर्सेशन क्या करते हैं, टीचर से कैसे बात करना है, इंटरव्यूअर से कैसे बात करना, तो इन सारे कॉन्वर्सेशंस पे हम स्लाइड्स पे काम कर रहे हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा बीच बीच में। हालांकि रेगुलर क्लास स्लाइड से नहीं चलेगी, कल आप लोगों की क्लास जो होगी वो व्हाइट बोर्ड के साथ होगी, मे बी वहाँ पर हम लोग ऐप का यूज़ सीखेंगे या कोई मॉडल्स पर काम करना स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये चीज़ें आपको समझ में अगर आ रही है तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये बातें आपको कितनी समझ में आ रही है। आइए अगले देखते हैं। उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, यस ही विल हैव टू से सॉरी, ही विल हैव टू यस करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, उसे माफ़ी मांगना पड़ेगा, मुझे सोना पड़ेगा। तो आप किसका यूज़ करते हैं, हैव टू का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी मीन्स ही विल हैव टू से सॉरी, उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, बिल्कुल मांगनी पड़ेगी भाई, गलती किया तो माफ़ी मांगेगा ही। ओके सो नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट व्हाट, मेरा एक काम करोगे, क्या बोलते हैं हम लोग। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, आपसे पहली क्लास में स्पोकन इंग्लिश से कहा था कि जब भी आपको कुछ बोलना है तो कोशिश करना है कि जो आपके वर्ड्स हैं उसे अपने इमोशन से मैच कराना, अपने इमोशन से मैच मीन्स यू हैव ट्राई टू मेक अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन बिटवीन योर वर्ड्स एंड योर इमोशंस। जो भी आप बोल रहे हैं ना और जो भी आपके इमोशंस हैं उसमें क्या होना चाहिए, दोनों की मैचिंग होनी चाहिए। तो क्या होता है, थोड़ा सा सामने वाले के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मैं आपको जब सिखाऊंगा हाउ कैन वी अट्रैक्ट एनीवन, जब मैं किसी को आकर्षित अपने तरफ कैसे करें, तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपने शब्दों को अपने इमोशन से मैच कराते हैं तो क्या होती है, आपकी जो इफेक्ट होता है, जो आपका इफेक्ट पड़ा सामने लोगों पर वो ज्यादा होता है। तो यहां पे कैसे पूछेंगे आप, वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, कैसे बोलेंगे, ध्यान से मेरे साथ सुनिए, मेरे साथ बोलिए, वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, मेरा एक काम करोगे, वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज़। बात समझ में आई, जब आपसे किसी से ये कहना कि प्लीज़ आप मेरा एक काम करोगे, मेरे लिए एक चॉकलेट लाओगे, मेरे लिए एक कॉपी लाओगे, तो वुड यू प्लीज़ ब्रिंग अ कॉपी फॉर मी, वुड यू प्लीज़ अरेंज अ चॉकलेट फॉर मी, तो आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बिल्कुल जब हम लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी दोस्त को अपने धोखा दे दिया, अपने किसी फ्रेंड को प्रॉब्लम पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई, तो वहाँ पे आप क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं क्या, सॉरी एक मिनट, हाँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, आई रियली डिड रॉन्ग टू यू, आई रियली डिड रॉन्ग टू यू। हालांकि यहाँ पे अगर जब हम जहाँ पर हमने लिखा कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, अगर बहुत बुरा किया लिखा है, तो हम लोग उसके लिए एक वर्ड आता है बहुत बुरा के लिए, ब्लंडर, एक और वर्ड आता है, मैं आपको बताऊँगा अलग से आपके वर्ड पावर वाले सेक्शन में बताऊँगा, एक वर्ड आता है ब्लंडर, जो क्या होता है, जिसमें होती बहुत भारी गलती। तो वी कैन से आल्सो हेयर दैट वॉट, आई रियली डिड ब्लंडर टू यू, आई रियली डिड रॉन्ग टू यू, दोनों सही है, रॉन्ग मतलब भी होता है ठीक है गलत कर रहे हैं, ब्लंडर भी किए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो भी एक्चुअली क्या होता है, गलती को ही रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो स्लाइड हमारे सामने है वो क्या लिखा है उसमें, आखिर चल क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है। जब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और हम लोग वहाँ पे हैं, तो हम लोग अक्सर क्या पूछ लेते हैं, भाई आखिर पहले तो अब आखिर चल क्या रहा है, क्या चल रहा है आपस में, क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन, व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन, एग्जैक्टली क्या हो रहा है भाई, क्या चल रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन। आप ये भी कह सकते हैं व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग, ओके, आप ये भी कह सकते हैं क्या, व्हाट्स हैपनिंग हियर, व्हाई आर यू सो पॉपलेक्स, आप इतने चिंतित क्यों हो, व्हाई आर यू सो हैप्पी, आप इतने खुश क्यों हो, लेट मी नो व्हाट हैपनिंग। देखिए हमने फिर से लेट बोल दिया,
कल वाली वीडियो में मैंने आपको लेट का यूज अच्छे से सिखाया है। जो कल क्लास थी हमारी वो लेट पे ही थी, जिसमें आपको मैंने लेट के तीनों यूज बताया था। तो आपसे मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप वहाँ से लेट का वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत पावरफुल अच्छा वर्ड होता है, बहुत पावरफुल उसका यूज़ होता है लेट का हमारे डेली लाइफ में। आइए देखते हैं, कंप्यूटर चालू करें क्या? अब क्या कर रहे हैं देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है आपको, सेंटेंस के कंडीशन को समझना है। सेंटेंस क्या है, कंप्यूटर चालू करें क्या, मीन्स एक तरीके से क्या हो रहा है, हम परमिशन मांग रहे हैं, हम एक तरीके से क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डू वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, डू वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, या शैल वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, शैल वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर को चालू करना चाहिए, या वैसे भी आप कह सकते हैं डू वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, क्या हम स्विच ऑन करें कंप्यूटर को। ओके नेक्स्ट है, अब वो काम से भाग नहीं सकता, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे मैं आपसे अगर बोला हूं कि मैं आपको कंप्लीट पैकेज दूंगा स्पोकन इंग्लिश का, तो मैं अपने काम से भाग नहीं सकता, आई कैन नॉट सर्क द वर्क, ओके आई कैन नॉट वर्क वर्क, क्या कर सकता हूँ, मैं अपने काम से भाग नहीं सकता हूँ। इन द सेम वे क्या कर सकता हूँ, ही कैन नॉट सर्क द वर्क नाउ, अब वो अपने काम से भाग नहीं सकता, ही कैन नॉट सॉक द वॉक नाउ। ओके नेक्स्ट देखते हैं, आप मुझसे नाराज हैं क्या? बाप रे, जब आपसे कोई नाराज हो ना, तो अगर आप उससे सोचिए, आप देखिए क्या होगा, बहुत जनरली क्या कर रहे हैं हम लोग, हिंदी में बोलते हैं, अगर हम लोग इसे इंग्लिश में बोलेंगे ना तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। जैसे आप पूछ रहे हैं आर यू एनॉयड विथ मी, फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, आपको अपने वर्ल्ड को, आपको अपने वर्ल्ड को अपने इमोशन से मैच कराना है, अपने वर्ड को अपने इमोशन से। जैसे आप क्या कह रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, आपसे नाराज, ऐसे पूछ रहे हैं हमसे नाराज हो क्या, तो नहीं होगा नाराज, तब वो नाराज हो जाएगा वो। आप उससे प्यार से पूछिए ना, यू मस्ट आस्क, ओके हाउ यू हैव टू आस्क, यू हैव टू से आर यू एनॉयड विथ मी, आर यू एंग्री विथ मी, आर यू एनॉयड विथ मी, ओके तो ऐसे पूछेंगे तो सामने वाला क्या करेगा, हाँ फिर भी आपको माफ कर देगा और आपकी गलती आपको बताएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आइए बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। जनरली क्या होता है, जब भी कोई हमारे रिलेटिव्स आते हैं, हमारे फ्रेंड्स आते हैं, हमारे कोई मेहमान आते हैं, उस समय क्या होता है, पहले तो हम लोग उनको खिलाते पिलाते हैं ही, फिर साथ ये पूछते हैं बताइए सर हम आपकी सेवा और क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, क्या बोलेंगे, जब हमें ये जानना होता है कि हम आपकी सेवा कैसे करें, आपकी हम क्या सेवा करें, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, तो आप वहाँ पे क्या कहेंगे, टेल मी, या आप ऐसे भी कह सकते हैं लेट मी नो। देखिए मैं बता दूँ, याद रखिएगा, अगर आपको लेट का यूज अगर कल वाली वीडियो में समझ में आया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जो सीरीज में एक काम कर रहे हैं, ओके और आप अगर किसी भी सीरीज को अगर आप स्किप करेंगे तो आगे की सीरीज में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ सारे वीडियोज़ को पिछले 2 3 दिन 4 दिन जो वीडियोज है उसको देखिएगा। आगे देखते हैं, यह कमीज फटी हुई है, दिस शर्ट इज टॉर्न, टीयर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉर्न होता है। ठीक है, यह कमीज फटी हुई है, मीन्स क्या हो रही है, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय क्या हो गया, वो काम हो चुका, मतलब कमीज फट चुकी है, तो दिस शर्ट इज टॉर्न, ये शर्ट क्या हो गई है, फट गई है। ओके मीन्स क्या हो रहा है, इस समय जिस समय बात कर रहे हैं उस समय क्या है, कमीज वो फटी हुई कंडीशन में, तो दिस शर्ट इज टॉर्न। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, उसने तुम्हें एक गिफ्ट भेजा है, वाओ बिल्कुल, उसने तुम्हें, पता है कि नहीं आपको कि उसने आपको एक गिफ्ट भेजा था, आप शायद भले ही बोल रहे हो, उसने तुम्हें एक गिफ्ट भेजा है, तो इफ़ यू हैव टू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश देन हाउ विल यू से, यू विल से जस्ट लाइक व्हाट, ही हैज सेंट अ गिफ्ट फॉर यू, या ऐसे कह सकते हैं ही हैज सेंड यू अ गिफ्ट, दो तो तरीके से आप कह सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हैं ही हैज सेंड यू अ गिफ्ट, या ऐसा कह सकते हैं ही हैज सेंड अ गिफ्ट फॉर यू। ओके दोनों तरीके से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, यह किसका मोबाइल नंबर है, यह किसका मोबाइल नंबर, बिल्कुल हुज मोबाइल नंबर इज दिस, हुज मोबाइल नंबर इज दिस, याद रखिए जहाँ पे हमें जब पूछना होता है किसका है, जहाँ पे हमें किसका का सेंस में यूज़ करना, तो वहाँ पे हम लोग किसका डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ करते हैं, हुज का यूज़ करते हैं। जैसे हम आपसे पूछें कि यह किसका शर्ट है, हुज कार इज दिस, हुज शर्ट इज दिस, ये किसकी बटन है, किसका फिंगर है, ये किसका मोबाइल है ना, या फिर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हुज मोबाइल नंबर इज दिस, ये किसका मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, हुज का यूज कर रहे हैं। ओके आगे चला जाए,
कोई भी दिक्कत हो आप बताइए हमसे, कमेंट करिए आप हमको, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप कांटेक्ट दे रखा है, आप वहाँ से किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन को, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं। ओके नेक्स्ट, तुम कब मिलोगे? वाह, ये तो अक्सर पूछते ही हम लोग हैं, जब भी किसी से बात करते हैं तो अक्सर जरूर पूछते हैं, वेन यू विल मीट मी, वेन विल यू मीट मी, मीन्स लेट सपोज यू आर हैविंग विथ योर फ्रेंड्स, यू आर स्टेइंग विथ योर, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, ठीक है, आप उसके घर गए हो या वो आपके घर आया है, तो जब हम लोग दूसरे जब अलग होने लगते हैं, जब जाने लगते हैं, तो क्या पूछते हैं? वेन विल यू मीट मी अगेन, आप दोबारा हमसे कब मिलोगे? वेन विल यू मीट, दोबारा कब मिलोगे? वेन विल यू मीट, वेन विल यू मीट, दोबारा कब मिलोगे? सीधा आप क्या बोलेंगे, या फिर तो सामने वाला आपसे क्या बोलता है, वेन विल यू मीट? अब तो ये बात प्रैक्टिस में हो गई, इसलिए मैं बार बार आपको इसलिए भी बोल रहा हूँ ताकि आप खुद भी मेरे साथ सुन के प्रैक्टिस करिए। और मैं आपसे एक बार ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि प्लीज़ अगर आप वीडियोज़ को वॉच कर ही रहे हैं तो प्लीज़ बोलिए मेरे साथ, और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे और एक बार फिर से अगर कभी अगर आपको मौका मिला आपने रिविज़न कर लिया, तो ये वर्ड आपको कभी ज़िंदगी में पूरा भूलेगा नहीं। मीन्स आई एम वेरी श्योर दैट यू विल नेवर फॉरगेट दिस सेंटेंस। ओके नाउ कम ऑन नेक्स्ट स्लाइड, एंड वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड इज वॉट, वह तुम्हारे जैसी दिखती है। वाह, वह तुम्हारे जैसी दिखती है, सी लुक्स लाइक यू, बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। वॉट हाउ वी आर सेइंग, वी आर सेइंग सी लुक्स लाइक यू, सी लुक्स लाइक यू, सी लुक्स लाइक यू, सी लुक्स लाइक यू, वो किसकी तरह दिखती है? वो तुम्हारे तरह दिखती है। सी लुक्स लाइक सीता, सी लुक्स लाइक राधा, वापरे, सी लुक्स लाइक, हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग ये बोल सकते हैं कि सी लुक्स लाइक जिसका जिसको भी आप आइडियल मानते हो आप उसकी तरह बोल सकते हैं। ओके नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज, किसी से कुछ मत मांगना। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है, किसी से कुछ मत मांगना, डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। आप यहाँ पे सीधे सीधे क्या देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डोंट आस्क एनी थिंग फ्रॉम एनी बडी, किसी से भी कुछ भी नहीं मांगना है, किसी से नहीं मांगना है, डोंट आस्क। यहाँ पे देखिए मांगने के लिए हम लोग क्या यूज़ किए हैं, आस्क का यूज़ किए हैं। जनरली आस्क मतलब क्या होता है, पूछना तो होता ही होता है, साथ में मांगना भी होता है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपको ये बात नहीं पता तो इसको भी आप पॉइंट आउट कर लीजिए कि आस्क मतलब क्या होता है, मांगना। जैसे आपको अगर कुछ अगर किसी अपने फ्रेंड से मांगना है तो आप क्या कहेंगे, यू विल, जैसे आप क्या कहेंगे, आप दूसरे से क्या कहेंगे, आस्क अ पेन वेदर ही हैव, उससे पूछो कि उसके पास एक कलम है क्या। डोंट आस्क एनी बडी फॉर एनी थिंग, देखिए एनी यहाँ पे क्या है, डोंट आस्क एनी थिंग फ्रॉम एनी बडी, डोंट आस्क एनी बडी फॉर एनी थिंग, देखिए कुछ नहीं हुआ है, दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ पे एनी थिंग यहाँ पे है और एनी बडी यहाँ पे है, और एनी थिंग यहाँ पे नीचे आ गया और एनी बडी, मतलब क्या हो रहा है, सेंटेंस में हम लोग हेर फेर कर सकते हैं। ओके चाहे आप एनी बडी का पहले यूज़ करिए, चाहे आप एनी थिंग का यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, वो अपनी इच्छाएँ पूरी कर चुका है, बिल्कुल ही हैज़ फुलफिल्ड हिज डिज़ायर, ही हैज़ फुलफिल्ड हिज डिज़ायर, पूरी कर चुका है ना, काम हो चुका है, पता होगा आपको कौन सा टेंस है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, ही हैज़ फुलफिल्ड हिज डिज़ायर्स, ही हैज़ फुलफिल्ड हिज डिज़ायर्स, ही हैज़ फुलफिल्ड हिज डिज़ायर्स। नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट वी हैव, अब आपके पिताजी कैसे हैं, अब आपके पिताजी कैसे हैं, अब आपके अपने फ्रेंड के यहाँ एक बार गए थे, आप पिताजी उसके बीमार थे तो आप उससे मिलने गए थे, और अब आप क्या कर रहे हैं, फिर से उससे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, या फिर से उससे आपके फ्रेंड से मुलाकात हुई तो आप उससे क्या पूछ रहे हैं, हाउ इज़ योर फादर नाउ, हाउ इज़ योर फादर नाउ, मीन्स वॉट, हाउ इज़ योर फादर, कैसे हैं पिताजी, और किस समय बात हो रही है, नाउ मतलब इस समय कैसे हैं। ओके नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, सबसे अच्छी शर्ट कौन सी है। ओके विच शर्ट इज़ द बेस्ट इफ़ यू आर गोइंग इन अ मॉल, अगर आप मॉल में गए हैं, किसके लिए गए हैं, शॉपिंग के लिए, यस अपने फ्रेंड के साथ कहाँ गए हैं, मॉल में गए हैं शॉपिंग के लिए, तो आप मान लीजिए सब कुछ हिंदी में बोल रहे हैं, और उसी बीच अगर आपको अपने फ्रेंड का ध्यान अट्रैक्ट कराना तो आप बोल सकते हैं क्या, विच शर्ट इज़ द बेस्ट, नाउ सी डियर, हेलो हेलो सी डियर, सी हेयर, लेट मी नो, प्लीज़ टेल मी विच शर्ट इज़ द बेस्ट, कौन सी शर्ट अच्छी सबसे है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बेस्ट की डिमांड करते हैं, हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें जरूरत किसकी, तो हम लोग हमेशा बेस्ट ढूंढते हैं। ओके गुड और बेटर से नहीं काम चलता, सीधे हमें बेस्ट चाहिए होता है। नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड इज, मैं रात में देर से सोया था, आई स्लेप्ट लेट,
इन लास्ट नाइट, या सीधे ऐसे कह सकते हैं आई स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट, आई स्लेप्ट लेट, स्लेप्ट, स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्लेप्ट होता है, आई स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मतलब होता है जो बीती हुई रात है ना, उसको क्या बोलते हैं, मैं रात में देर से सोया था, तो जो बीती हुई रात है, जैसे आप सुबह आपसे कोई अगर कोई पूछ रहा भाई अभी तक क्यों सो रहे हो, तो आप उससे क्या कहेंगे, आई स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट, मैं कल रात में थोड़ा देर से सोया था, आई स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज, खेलते हुए टांग पर चोट लग गई, आई हर्ट माई लेग वाइल प्लेइंग, आई हर्ट माई लेग। देखो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले क्या कह रहे हैं हम, पहले कह रहे हैं आई हर्ट माई लेग, मैं चोट लग गई, कब चोट लगी, वाइल प्लेइंग, खेलते हुए। अब देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो चोट लग रही है, दूसरा खेलने का काम, मतलब दो दो एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पहले हम लोग बात कर रहे हैं हर्ट की, जो चोट लगी, हर्ट मतलब होता है चोट लगना, और प्ले मतलब होता है खेलना, यहाँ पे दोनों वर्ब हैं। नेक्स्ट, उसकी नाक बह रही है, हिज नोज इज रनिंग, इसको याद रखिएगा जब भी बात आती है बहने की, ओके, तो वहां पे हम लोग किसका वर्ड का यूज करते हैं, रनिंग का, आप क्या कहेंगे, हिज नोज इज रनिंग। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, बिनीता ने मधुर गीत गाया, बिनीता संग अ स्वीट सॉन्ग, मेलोडियस भी कह सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप मेलोडियस कहेंगे तब भी कोई समस्या नहीं, आप ये भी कह सकते हैं बिनीता संग अ मेलोडियस सॉन्ग, ओके, मेलोडियस का भी यूज होता है और स्वीट का भी यूज होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पर, हाँ ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, उसका कल एक्सीडेंट हो गया, भगवान न करे कभी ऐसा हो, बट लेट सपोज इफ यू हैव टू से कि ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एस्टरडे, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एस्टरडे, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एस्टरडे, उसका बेचारे का कल एक्सीडेंट हो गया, तो क्या बोलेंगे, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एस्टरडे, ओके। सो द नेक्स्ट स्लाइड, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या कहते हैं, हेलो, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम आस्किंग यू समथिंग एंड वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग मी, आप मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, हम अक्सर पूछते हैं जब बात करते हैं, तो क्या कहते हैं, आई एम आस्किंग यू समथिंग, या पैसे भी कह सकते हैं आई एम आस्किंग समथिंग टू यू, दोनों तरीका सही है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं, आई एम आस्किंग यू समथिंग, ओके। सो मेरी बात आपको समझ में आई मित्रों, हम लोगों ने क्या किया, आज का जो हमारा पूरा सेशन था, ये क्या था, पूरा सेशन हमारा एक क्या था, एक स्लाइड्स पे बेस्ड था, और हम लोगों ने पूरे वर्ड्स को समझा है, लगभग की चीज़ें हमें समझ में आई हैं, और हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, और अपने उन सारे फ्रेंड्स को शेयर करिए जिन सारे फ्रेंड्स के साथ में आप ये सेंटेंस शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। अभी आपको मैं कुछ टेक्निक भी बताऊंगा कि हम लोग किस टेक्निक से, कल वाली क्लास में बताऊंगा आपको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अक्सर लोग हमसे क्या पूछते हैं कि भाई हम इंग्लिश बोलेंगे तो लोग कहेंगे ये तो परेशान हो गए, पागल हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो इसके लिए कुछ तरीके होते हैं जिससे आपको सामने लोग पता भी नहीं चलेगा और आप इंग्लिश भी सीखते रहेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अब फिर हम लोग कल मिलेंगे अपने सेम टाइम पे, सेम टॉप, नए टॉपिक के साथ, सेम चैनल पे। हैव अ नाइस डे।